प्लेटफॉर्म पर मैं हूं नीलू व्यास। आज की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। 6 महीने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानती ऑर्डर्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि वो जमानत पर छूट सकते हैं, वो चुनावी कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन केस से जुड़ी हुई, जो शराब घोटाले के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, तो उस मामले से जुड़े किसी भी तथ्य पर वो बात नहीं करेंगे, उस बात को लेकर उनको अनुमति नहीं दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जितनी भी आज दलीलें पेश हुई हैं, कोर्ट ने सीधे सीधे यही कहा कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए के कानून का, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट है, उसका जो सेक्शन 45 है वो ये कहता है कि बेल को अपोज नहीं किया जा सकता, और उसी सेक्शन 45 के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। और इस जमानत, ये जो जमानत का ऑर्डर है, आप ये देखिए कि एक ऐसे समय में आया है कि कल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कड़ी टिप्पणी की थी सीबीआई को लेकर, कि सीबीआई के जो काम करने का तरीका है, सर्च सीजर और जो निजता का जो हनन जिस तरीके से होता है, वो एक तीखी टिप्पणी थी। अभी थोड़े ही दिन पहले हेमंत सोरेन के एक एसोसिएट थे, उनके मामले में भी ईडी को कड़ी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और आज खुद जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है एसवी राजू, उन्होंने क्या कहा कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा कि हम ये कंसेशन देते हैं और हम बेल को अपोज नहीं करेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें लिख रहे हैं कि कंसेशन शब्द का इस्तेमाल एसवी राजू ने क्यों किया, क्या आज एसवी राजू की कृपा से आज क्या संजय सिंह को बेल मिली है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई ये कंसेशन आपने आज दिया, आप पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, 6 महीने उनको जेल में रखा गया और आज एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू साहब ये कहते हैं कि वी हैव गिवन हिम अ कंसेशन एंड वी हैव गिवन हिम अ बेल। तो उसी बात पर जो आज ऑर्डर निकला है, आज वाकई में एक आम आदमी पार्टी के लिए तो एक बड़ी जीत ये है ही कि 6 महीने बाद उनका एक बड़ा नेता रिहा होकर बाहर आएगा। आज इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, आज उनको भी बल मिला है। आपने देखा था कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन जैसे लोग रविवार की जो महारैली थी उसमें मौजूद थे और लगातार जो ईडी और सरकार के जो मनमाने तरीके से, जिस तरीके से पीएमएलए में लोगों को फंसाया जा रहा है, उसकी भी बात कही गई थी कि लोकतंत्र का कितना बुरी तरीके से हनन कर रही है मोदी सरकार। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज एक बड़ी जीत है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जो जमानत है, आज उसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ से जो पूरी लड़ाई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मेरिट्स पर ये केस अभी चलेगा, यानी कि ट्रायल जारी रहेगा, एसवी राजू को सबूत पेश करने होंगे ये बताकर कि क्या वाकई में जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं सही है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। मेरिट्स के केस पर अभी कुछ बात नहीं हुई है, आज केवल उनको जमानत दी गई है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय हेगड़े साहब है हमारे साथ, संजय जी आपका स्वागत है। यशोवर्धन आजाद जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यूसुफ अंसारी साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सर्वेश मिश्रा जो आज हमारे बहुत खास मेहमान हैं, वो भी संजय सिंह के साथ काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संजय सिंह के साथ इनका बहुत क्लोज रिलेशन भी है। तो संजय आपका भी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश, मैं आज आपसे शुरू करना चाहूंगी, फिर मैं संजय हेगड़े के पास जाती हूँ, संजय हेगड़े के पास आज थोड़ा सा वक्त कम है। तो सर्वेश, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज 6 महीने के बाद अगर आज संजय सिंह को जमानत मिली है, तो आज इस इतनी दिन और इतने के बाद जो जमानत मिली है, आप इस पर क्या कहेंगे? और जबकि आपके 2 बड़े नेता अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एंड ऑल्सो सचिन जैन। जी, हमारे 3 बड़े नेता अभी जेल में है, और आम आदमी पार्टी जिस बात को उठाती थी कि पीएमएलए का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को और जो भी मजबूत आवाज है उन नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज वह पूरी तरीके से साबित हो गया। आज आप कोर्ट की जब प्रक्रियाओं को भी देखेंगी, तो जब तकनीकी लेवल पे नहीं जाया जा, अगर मैं उसके लिए वरिष्ठ लोग हैं वो बात करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर हम लोग जिन मामलों को उठाते थे कि इस केस में कुछ भी नहीं है फर्जी गवाहों के अलावा, और उन गवाहों को जेल में डाल के और उनको शर्तिया जमानत देने के बजाय
शर्तिया जमानत देने के अलावा कुछ नहीं, इसीलिए उनको दूसरे कानूनों के तहत गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसमें सबूत देना पड़ेगा उन एजेंसीज को, और उसमें उन लोगों की गिरफ्तारी ज्यादा दिनों तक संभव नहीं होगी। इसीलिए पीएमएलए के इस कानून से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको सरकारी गवाह बनाया गया, कुछ लोगों से उसमें चंदा लिया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया, और उनके आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। और सांसद संजय सिंह जी का जो मामला था, देखिए उसमें तो मैं प्रत्यक्ष रूप से था, क्योंकि पूरे केस की वैसे जब बात भी होती है तो सीधे तौर पे होती है। उस पूरे केस में यही है कि एक व्यक्ति ये कहता है कि अभिषेक बोइन पल्लू और समीर महेंद्रू के पैसे को सर्वेश मिश्रा को दिया। सर्वेश मिश्रा संजय सिंह जी के आदमी है। अभिषेक बोइन पल्लू और समीर महेंद्रू कह रहे हमने पैसा दिया ही नहीं, तो सर्वेश मिश्रा को उन्होंने कह रहे हैं हमने पैसा दिया, और सर्वेश मिश्रा को रेगुलर बेल मिली पड़ी है, और सर्वेश मिश्रा इज क्लोज टू संजय सिंह। तो खैर, इतने कड़े कानून का इस्तेमाल अगर देश में राजनेताओं के लिए होने लगेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता बचेगा। अगर ईडी चाह देगी कि पीएमएलए कानून के तहत वो देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहे तो फिर वो गिरफ्तार कर सकती है, फिर उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। और जिस तरीके से पूरी कार्रवाइयां हुई, वो पूरी कार्रवाइयां सभी पार्टियों के ऐसे ऐसे नेताओं पर ही हुई जो बहुत ही मुखर थे, जो बहुत ही प्रमुख तरीके से बोलते थे। चाहे आप महुआ मोहित्रा जी का मामला लेंगे, चाहे वो संजय राउत जी का मामला लेंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन जी का मामला लेंगे, चाहे देश की संसद में मजबूती से आवाज उठाने वाले हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी की बात लेंगे। तो आम आदमी पार्टी शुरुआत से बोल रही है, अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीएमएलए का इस्तेमाल नेताओं को तोड़ने के लिए, नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, उनकी पार्टियों का विलय कराने के लिए और विपक्ष की आवाजों को तोड़ने के लिए आज का फैसला देखे। जी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को कोई ऐसी खबर है कि संजय सिंह को कितने बड़े बजे छोड़ा जाएगा, वो कितने बजे घर पहुंचेंगे, घर जाएंगे या पार्टी ऑफिस जाएंगे, कुछ इस तरीके की जानकारी है? क्या आपकी उनसे कोई फोन पर बात हुई है? देखिए, परिवार के लोग जो भाभी जी हैं, अनिता भाभी हो, इस जो लीगल कार्रवाइयां हैं आगे की उसको पूरा कर रही हैं, जो भी कुछ बॉन्ड्स की बात है या जो पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपी जो सब देनी है वो कार्रवाइयां जारी हैं, और उम्मीद है कि कल सुबह आएंगे, वो सुबह का समय तय कर दिया जाएगा और कार्रवाइयां आज संपन्न हो जाएंगी, कल के दिन आएंगे। कुछ स्वास्थ्य में उनके दिक्कत थी तो जिसकी वजह से आज सुबह चेकअप कराने भी गए थे वो, तो कल आएंगे। ओके, तो कल सुबह तक शायद वो घर पहुंचेंगे, फिर पार्टी ऑफिस भी हो सकता है जाएं। और प्रोसीजरल डिलेज हैं कि सारी जो फोटोकॉपीज हैं, बॉन्ड्स भरने होते हैं, उसके बाद वो रिहा होंगे। आप कुछ कह रहे थे सर्वेश, उसके बाद फिर देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी ने अभी हमारे सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी अनिता सिंह जी ने, उन्होंने बोला भी है कि देखिए ये जरूर हमारे लिए एक जीत है, लेकिन हमारे पार्टी के तीन तीन बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि मेरे तीन तीन बड़े भाई अभी जेल में है, तो जब सब लोग आएंगे तभी असली हमारे कभी तभी पार्टी के लिए जश्न होगा, और अभी हमारे लिए संघर्ष का समय है, और इस संघर्ष में जरूर निश्चित रूप से एक हमारी जीत हुई है, लेकिन इसके अभी आगे के और भी चरण है और हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी ठीक है, अब मैं संजय हेगड़े के पास आती हूँ और मैं ईडी की मंशा पर आपसे सर बात करना चाहती हूँ कि आज ईडी ने जो एक लाइन बोली है कोर्ट के अंदर कि संजय सिंह इन पीएमएलए केस आफ्टर ईडीज कंसेशन, ये कंसेशन शब्द का इस्तेमाल ऐसा लग रहा था सर सुनकर, और इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगा कि आज ईडी ने कृपा बरसा दी संजय सिंह के ऊपर। ये कंसेशन क्यों दिया गया कि आज वो अपोज आज उन्होंने नहीं किया, लेकिन पहले वो अभी तक अपोज कर रहे थे, तो क्या ईडी के ऊपर कोई प्रेशर था आज इसलिए उन्होंने कंसेशन की बात कही? ये पहले भी कह सकते थे, या फिर आपको लगता है कि कोई पब्लिक प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर कुछ इस तरीके का था कि अब ईडी को ये लगने लगा कि अब कोर्ट में उसकी दाल नहीं गलेगी? नहीं, जैसे मैं तो लाइव ब्लॉग के जो रिपोर्टिंग है उसको देखकर मेरी रीडिंग यही है कि कोर्ट ने कई ऐसे सवाल पूछे ईडी से, जिसके कारण ईडी ने ये सोचा कि बेहतर है कि ये मामला यही खत्म हो जाए, और क्योंकि जस्टिस खन्ना ने एक सवाल पूछा था जो अंग्रेजी में है, मैं पढ़ लूँ। यू हैव केप्ट हिम इन कस्टडी फॉर 6 months, दिनेश अरोरा हैज नॉट इनिशियली इम्प्लिकेटेड हिम, लेटर इन अ स्टेटमेंट ही डज, नो मनी हैज बीन रिकवर्ड, द ट्रेस ऑफ मनी इज नॉट देयर बिकॉज इट वॉज लॉन्ग बैंक, फैक्ट ऑफ द मैटर इज मनी हैज नॉट बीन रिकवर्ड, प्लीज कीप दैट इन माइंड, वी आर
we are with him in that. We are required to record in terms of section 45 that he has prima facie not committed an offence. That could have its own ramifications in trial. देखिए सेक्शन 45 पीएमएलए का ये कहता है कि बेल देने से पहले कोर्ट को ये लगना चाहिए कि बिल्कुल कोई कोई गलत काम हुआ नहीं है, जो इल्जाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कोर्ट ने ये पूछा, देखिए पैसा जो जो आप कह रहे हो ना, रिकवरी हुई है, पैसे पहले का है, अब हम ये कैसे कह सकते हैं ये पीएमएलए का मामला है, और अगर हम ये रिकॉर्ड करें सेक्शन 45 के तहत कि यहाँ कोई केस नहीं बनता, तो फिर आप आगे ट्रायल में क्या करेंगे? तो ये सवाल जब पूछने लगे और फिर बाद में लंच के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब वापस आके कह दिए कि भाई ठीक है, इनको बेल दे दीजिएगा, ये हमारे कंसेशन इन पे दे दीजिएगा और ये प्रेसिडेंट ना हो। तो मैं तो सिर्फ वकील की तहत रीड कर रहा हूँ कि जब मामला उल्टा पड़ रहा था तो इट वाज अ लिमिटेशन ऑफ डैमेज कि इस केस में बगैर कोई प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश किए तक, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट हो जाता है, पैरिटी हो जाती है कि दूसरे भी कहेंगे भाई आपने उनको बेल दे दिया, हमको भी दे दीजिएगा, तब एएसजी साहब कह सकते हैं नहीं, उस संजय सिंह के मामले में 1 करोड़ या 2 करोड़ का ही था और वहाँ फैक्ट्स अलग थे, ये यहाँ केजरीवाल साहब या दूसरों के केस में फैक्ट्स अलग है, तो उनको बेल तो आपने दे दिया क्योंकि हमने अपोज नहीं किया, यहाँ हम अपोज कर रहे हैं। नहीं लेकिन मिस्टर हेगड़े, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आज वही ईडी जो इतने दिन तक लगातार अपोज कर रही थी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो, पहले दिसंबर में ट्रायल कोर्ट में जब मामला गया था वहां उसको अपोज किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामला आया फरवरी में तो वहां पर अपोज हुआ, आज आपको क्या लगता है ईडी ने क्यों अपोज नहीं किया? जब वो पहले कर रहे थे तो वो आज भी कर लेते, उनको ऐसा क्या लगा आज उसके पीछे इंटेंशन क्या आपको लगा? अगर और अपोज करते और सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि कोई केस नहीं बनता है तो पूरा का पूरा जो बड़ा मेन मैटर है पूरा का पूरा ठप बैठ जाता ना, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट बेल के टाइम ये कहते हैं प्राइमा फसाए 45 के तहत केस नहीं बन रहा है तो दूसरे भी छूट जाएंगे, उसी लिए एक लिमिटेशन ऑफ डैमेज, इस मामले में आपको हम बेल नहीं अपोज करते हैं, आप दे दीजिएगा, जो दूसरे सब सवालों पर आप मत पूछिएगा, ये दूसरे सवालों के में जाने की जरूरत नहीं है आज। जो बात मिस्टर सिंघवी ने कही थी आज, वो भी मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए पढ़ के बता दूं, उन्होंने आर्गुमेंट्स के दौरान ये बोला कि पीएमएलए ऑफेंस हैज टू एक्ट ऑन अ प्रेडिकेट ऑफेंस, इफ यू एक्सेप्ट यू आर अनेबल टू अटैच, यू एक्सेप्ट यू आर अनेबल टू फाइंड, एंड देयरफॉर देयर इज नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो क्राइम का जो प्रोसीड है वो एक तरीके से उन्होंने आज एस्टैब्लिश कर दिया कि वो संजय सिंह के पास नहीं आया, क्या ये एक बेसिस था जिसकी वजह से आज ईडी वो अपोज नहीं कर पाया? Because I found this line very very catchy. ये आपके दर्शकों के लिए को समझाऊं तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, गुनाह का फल, ठीक है, अगर आपने किसी हरकत में आपको कुछ पैसा मिल जाता है और उसको आप लेयर करते हो, उससे आप कोई घर खरीदते हो या कुछ और खरीदते हो, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बन जाता है। इस मामले में कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम संजय सिंह के हाथ नहीं था, कोई कुछ ट्रेस नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है। अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो पीएमएलए वाला केस कैसे बनता है, क्योंकि उस प्रोसीड्स को लेके फिर बाद में लेयरिंग सब चलता है। आपने कोई पैसे संजय सिंह से रिकवर नहीं किया, ना कि जो आप कह रहे हो वो भी साबित हो रहा है कि ये फलाना किसी आदमी के पास था, तो
अगर ये सब कह के अगर अगर कोई पूरा फैसला आ जाता तो दूसरों के लिए भी वो दरवाजा खोल देता। तो ये देखते हुए ईडी ने कहा कि भाई साहब आप आज का मामला इतने में ही सुलटा दे, हम कहते हैं आप इन्हें छोड़ दीजिएगा, आप हम बेल नहीं अपोज कर रहे हैं। और लेकिन दूसरे सवाल दूसरे केस में देखेंगे। हाँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि जिस तरीके का आज ईडी ने आर्गुमेंट दिया है उसमें उन्होंने एक लाइन ये भी कही कि विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस आई विल मेक अ कंसेशन इन द बेल मैटर इन द पिक्यूलियर फैक्ट्स। अब विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ये है कि जब ट्रायल शुरू होगा तो क्या अब ईडी के लिए चुनौतियां बढ़ गई है, ईडी को सारे सबूत पेश करने होंगे, अभी तक तो उनको कुछ मिला नहीं, अब वो कैसे सबूत जुटाएंगे फिर? देखिए ट्रायल कब होगा कब नहीं होगा ईडी क्या भगवान भी ना जाने भैया, ये जो ईडी मामले हैं वो इसीलिए डाल देते हैं क्योंकि उनको पावर आ जाता है कि भाई अंदर डाल दो और फिर बेल देने में बहुत कष्ट होगा, कोर्ट्स बेल नहीं देंगे। अब कोर्ट्स सवाल पूछने लगे हैं और जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो ईडी वही कह दे रही है कि इस मामले में बगैर कोई रिकॉर्डिंग हो बगैर कोई फैसला दिए आप इनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम अपोज नहीं कर रहे हैं। तो इसको अगर लेमैन्स की लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ईडी को अब ये रियलाइज हो गया है कि अब उनकी दाल बहुत ज्यादा कोर्ट के सामने गलने वाली नहीं है, उनके जो भी पैंतरे हैं वो कोर्ट उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ईडी को ये समझना होगा कि किसी को भी बंद करके फिर कहना कि सिर्फ आप ट्रायल के बाद ही छोड़ सकते हो, वो कोर्ट सभी तैयार नहीं होंगे, कोर्ट सभी सवाल पूछने लगे और आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, शायद कल हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स भी पूछने लगे। राइट, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, उसी से मुझे एक सवाल याद आया एंड आई एम कमिंग टू यू विद क्वेश्चंस क्योंकि आपको जाना है इसलिए मैं जल्दी पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या अब जो आज ईडी ने अपना जो एक अप्रोच दिखाया है संजय सिंह के केस में, क्या ये एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम कविता रेड्डी, तमाम जो लोग हैं आज उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर निकला है अभी आज जो संजय सिंह की जो जमानत है? बिल्कुल निकला है और मैं भी आशा प्रकट करता हूं कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सवाल ना उठाए, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भी सवाल करने लगे क्योंकि सवाल करने का जो पावर है उसमें बड़ी ताकत है। राइट, ओके, थैंक यू मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच, आई नो यू आर इन अ हरी सो आई लेट यू गो। अब मैं मिस्टर आजाद साहब के पास आती हूँ। मिस्टर आजाद, जो पीएमएलए के केसेस का जिस तरीके से एजेंसीज ने दुरुपयोग किया है, आज की जमानत के बाद क्या अब पीएमएलए केसेस को जिस तरीके से ईडी ने अभी तक हैंडल किया है उनके हैंडल करने के तरीके में कोई फर्क आएगा? क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि उसको एक पॉलिटिकल व्हिप की तरह यूज किया जा रहा है कि भाई विपक्षी नेताओं को धर पकड़ कर लो, उनको पकड़ लो किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई हमारी सरकार है, हमारी सरकार जैसे चाहेगी हम लोगों को पकड़ लेंगे। आज क्या ईडी की वो चीज एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है जिस एंगल से वो पीएमएलए के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे, आपको क्या लगता है सर? जी, मैं इसी केस के बारे में बात करूंगा जो ईडी की अन्य कार्रवाई है जो आपने जनरल बात की उस पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ जगह जो ईडी की कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है, जहां आपको 4 करोड़ के नोट मिल रहे हैं सामने में वो तो सही है, और ये भी सही है कि नीतीश कुमार और पटनायक जी के खिलाफ कोई ईडी का केस नहीं हुआ है। सो हमें इंडिविजुअली हर केस को देखना चाहिए, ये बात सही है कि वन साइडेड एक्शन होता है, सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हो रहा है, कोई भी अपने रूलिंग पार्टी, बल्कि मैंने आज ट्वीट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर 7 फेज में इलेक्शन करती है तो ये देश के लिए बहुत भयावह है कि ये गर्मी के दिनों में 19 अप्रैल से लेके आप 10 जून तक बांध दिया है आपने पूरे देश को, और इस पीरियड में जब आपको इतना ज्यादा पावर्स है तो आपको उसका एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, और उसमें एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में एक चीज दिया हुआ है कि जो शासन तंत्र किसी तरह से ये कंप्लेंट नहीं आने देगा
कि अपने अधिकार का प्रयोग इस तरह से हो रहा है जिससे कि इलेक्शन में उनको फायदा मिले। और इसलिए अगर एक कार्रवाई अगर आप किसी अपोजिशन मेंबर के खिलाफ करते हैं तो आप दूसरी कार्रवाई जो है अपने रूलिंग पार्टी के खिलाफ वो कोल्ड स्टोरेज से केसेस निकाल के उनके खिलाफ भी करें, और या तो नहीं करें इलेक्शन तक, जैसे कि आईटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया है कि वो नहीं करेंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज का जो निर्णय है वो बड़ा सनसनीखेज है। ये इसको मैं कोई ऑर्डिनरी ये नहीं मान रहा हूं। शुरू से दो बातें हो रही हैं लिटर एक्साइज पॉलिसी में। जो पॉलिसी का जो पहला इशू वो ये है कि क्या अगर किसी सरकार की नीति से राज्य को भला मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है, तो अगर घाटा हुआ है तो क्या इसके लिए आप उसके सरकार के मेंबरान को पकड़ेंगे क्या पॉलिसी पे? तो अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उनको, तो एक ही चीज बचती है, वो ये है कि क्या किसी ने 100 करोड़ रुपए किसको दिए। तो अगर जहां ये बात होती है तो ये विवेचना की बात हो गई। तो विवेचना की बात में सबसे पहले तो मनी ट्रेल की बात आएगी। मैं शुरुआत से ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलना चाहिए। दो कारण, एक तो ये है कि आपको मनी ट्रेल तो कुछ नहीं मिला, दूसरा जब ट्रायल इतना लंबा चले तो क्या आप किसी को बिना कन्विक्शन के 1 साल से ज्यादा आप बंद रख सकते हैं? तो मैं आशा करता हूं कि कोर्ट इसके बारे में अब सीरियसली सोचेगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत सीरियस बात, कोर्ट ने 45 सेक्शन को कोर्ट करते हुए ये कहा है कि जब हमें लगता है कि प्राइमा जो फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को, क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि प्राइमा फेसी जब एविडेंस ऐसा लगे कि नहीं है, माय गॉड, आई मीन दिस इज समथिंग विच इज सेंसेशनल। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने तो एक तरह से बता दिया कि या तो आप हमें कुछ बोलिए, और ऐसे प्रकरण में ईडी चुप रहा। ये तो मुझे अजीब लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन अब तक बराबर ये कहता था कि नहीं, हमें इनकी इनकी और आवश्यकता है कि हम क्रॉस कराएंगे और लोग हमें मिलेंगे और चीजें होंगी। तो इनके खिलाफ तो और एक बड़ा स्पष्ट चार्ज किया गया था, जैसे सर्वेश जी बताएंगे कि 2 करोड़ रुपया 2 बार इनके घर में दिया गया, इनके खिलाफ जो एलिगेशन था उसके बारे में ईडी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको 2 सेकंड रोकूंगी ताकि व्यूअर्स आज देख लें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी तो बेंच का क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा। एक छोटी सी क्लिप सुनते हैं और उसके बाद आजाद साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी। जी आइए सुनते हैं। हैव नो ऑब्जेक्शन इन केस appellant stay over there before that leave granted. Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings arising out of ECR / HIU - Roman 2 / 14 /2022 issued in respect of offence under sections 3 and 4 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Full stop. Next page. In view of the statement made, we allow the present appeal and direct 2.1. To what point? We allow the present appeal and direct that the appellant - Sanjay Singh will be released on bail during the pendency of the aforesaid trial on terms and conditions to be fixed by the trial court. Full stop. Next paragraph. That's all. We need not mention it. Not
Merits, I have not canvassed my lot of okay. Merit, and this, so this is not to be cited as a precedent anymore. Okay. We clarify that the concession given the court today would not be treated as a precedent. In would not be treated as precedent. Full stop. Secondly, the appellate Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities, undertake and continue with his political activities. However, the subject. However, that's all. Why should we discuss this? No, let's not be. If we do that, it will be another incentive for him to talk about it. But you have been gracious enough to say that. A sentence, it is not required, but that you continue. Okay, that sentence we'll cut it. Last second part we'll cut it. But we. Right. तो ये जो जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीवी वराले की जो ये बेंच है, उन्होंने आज जमानती ऑर्डर्स दिए हैं संजय सिंह के लिए. लेकिन एक बात मैं मिस्टर आजाद आपसे समझना चाह रही थी कि ये जो कंसेशन है, कंसेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट, ये बात बेंच ने कही. आज आपको क्यों लगता है कि इसको प्रेसिडेंट क्यों नहीं माना गया? शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट, ये बात क्यों कही बेंच ने? सबसे पहले तो मुझे मैं ये कहना चाहता हूं कि ईडी को कोई अधिकार नहीं है ये बात करने का कि हम उन्हें कंसेशन दे रहे हैं. आप क्या कंसेशन दे रहे हैं? आपके कहने पे तो बेल मिला नहीं है. आप तो हर समय उनको उन्होंने अपोज किया आज, और अगर आपके पास और सबूत रहते तो आप जरूर पेश करते, और अगर आपने नहीं किया तो आप अपने फर्ज के खिलाफ कार्य कर रहे हैं. ये भी अलग बात है. ये तो आपका फर्ज है कि बेल को अपोज करना और देना कि हमें इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यूटी है. कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो 45 सेक्शन जो है उसके आधार पे दिया है कि प्राइमा फेसी सबूत हम समझते हैं कि नहीं मिलेगा. अब दूसरी बात, क्यों कोर्ट ने कहा, मुझे मैं थोड़ा इस मामले में अचंभित हूँ. किस लिए कहा कि दिस विल बी नॉट साइटेड एज प्रेसिडेंट? ऑफकोर्स इट विल बी साइटेड एज अ प्रेसिडेंट इन डिफेंस लेटर. देखिए यही बात बाद में आएगी जब केसेस इनके आएंगे बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने. और इतना जरूर है, जैसे अब हेगडे साहब ने कहा कि हाँ भाई इनके खिलाफ 5 करोड़ और 2 करोड़ का था, उनके खिलाफ 80 करोड़. सवाल तो लेकिन सबूत का है. सवाल ये नहीं है कि कहते हैं मामला भारी हो गया आपके कहने से कि 10 करोड़ था और वहां 1 करोड़ है. मामला सबूत का, एविडेंस का है कि क्या आपको मनी ट्रेल सिसोदिया साहब के इशू में मिला है, केजरीवाल के इशू में मिला है. तो इसलिए मैं समझता हूं ये तो एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है. इट मे नॉट बी काउंटेड एज प्रेसिडेंट बट इट विल बी कोटेड अगेन एंड अगेन बिकॉज ये बात शुरुआत से ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. दूसरी मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आजकल मैं देख रहा हूं कि सारे केस मनी लॉन्ड्रिंग के हो जाते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लिस्ट ऑफ प्रेडिकेटेड ऑफेंस इतनी लंबी है कि उसमें कोई ना कोई इसमें आ ही जाता है. तो मैं ये कहना चाहता हूं अंत में नीलू जी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो आपको दिखाना पड़ेगा ना. सिसोदिया जी के केस में दिखाना पड़ेगा कि कौन सा वो प्रोसीड्स मिला, उन्होंने कहा किस बंगले में, और क्या केजरीवाल जी ने लेके अपने बंगले में लगा लिया, यहाँ लगा लिया. तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एविडेंस की, ये तो जरूर आपको विवेचना में डालना पड़ेगा. और अब तक अगर ये नहीं आ सकी है तो इसका प्रभाव विवेचना पे जरूर पड़ेगा. और हम देखेंगे अंत में लाइन जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जजमेंट जो बेल का है इसे बार बार कोर्ट किया जाएगा अन्य जो भी अक्यूज्ड के खिलाफ जब बेल के केसेस पुट अप. एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और मेरे दिमाग में, उसके बाद फिर मैं यूसुफ के पास जाऊंगी कि आजाद साहब, कोर्ट ने ये भी कहा है, जो बेंच ने उनसे ये कहा है कि आप केस से जुड़े हुए तथ्यों पर बात नहीं करेंगे. अब व्हाट आई एम थिंकिंग एज अ रिपोर्टर एंड एज अ पर्सन हु आल्सो गोज ऑन द फील्ड, अब अगर चुनावी प्रक्रिया में उनको कोई बाधा नहीं है, वो चुनावी कैंपेन के लिए जाएंगे, हम जैसे लोग जब उनको इंटरव्यू के लिए अप्रोच करेंगे, तो क्या अब हमें उनसे शराब घोटाले के मामले में कोई सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या वो इससे जुड़े कोई जवाब नहीं देंगे? वो यही सीधा कह देंगे कि ये तो सब जुरिस्ट है, अभी ये कोर्ट में जब मैटर आएगा तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा. लेकिन और भी तरीके होंगे कि पॉलिटिकल मैसेजिंग जो आम जनता में है वो बात तो करेंगे, अपने जब भाषण देंगे, तो इसको कैसे देखा जाएगा? आज ये क्या चुनौती नहीं है? उनको एक तरीके से बांध नहीं दिया गया है संजय सिंह के लिए कि वो चुनाव कैंपेन में जाएंगे लेकिन वो बात नहीं कर सकते?
Oh, I think he's got disconnected. Okay, यूसुफ मैं अब आपके पास आती हूँ, कोशिश करूंगी कि अगर वो वापस आए. यूसुफ, आपके हिसाब से पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी और साथ में इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कोई चाल के तहत इसको किया गया, ईडी ने कोई चाल चली, मैं पॉलिटिकली बात कर रही हूँ, या फिर आज ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार एक बड़े वीक विकेट पर दिख रही है? नहीं, ये जो दूसरी बात आपने कही कि मोदी सरकार एक वीक विकेट पर दिख रही है, ये बात मुझे ज्यादा मुनासिब लगती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो पैरोकार है उनकी तरफ से लगातार ये दावे किए जाते रहे थे कि भाई ईडी के पास, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इनके पास पुख्ता सबूत है. और जब आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब सवाल पूछे तो ईडी लाजवाब हो गई, निरुत्तर हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था. अगर सबूत थे तो सबूत सामने रखते. मनीष सिसोदिया तो 26 फरवरी से बंद है, मनीष सिसोदिया के पास भी लगातार दावा किया गया. मुझे ये अच्छी तरह याद है, मैं अखबार में संपादक उस वक्त था, एक दिन एक खबर आई अचानक कहीं बीजेपी सोर्सेस से, और उसमें ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर ली है ईडी ने. ओके, अखबारों ने उस खबर को छापा, कई वेबसाइट उस खबर को छापा, लेकिन बाद में वो खबर उड़ गई, पता नहीं चला कहाँ. अब बताइए ऐसा कौन सी संपत्ति मनीष सिसोदिया की अटैच की गई है? तो ये बीजेपी के जो पैरोकार हैं समाज में, वो इन चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं कि लगने लगता है कि साहब जिसे जेल डाला गया है वो अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसे उन्होंने कन्विक्ट घोषित कर दिया कि साहब ये तो पूरी तरह से आरोपी है, मुजरिम है, और इसे तो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए. संजय सिंह के मामले में ये भ्रम अब टूट गया है. जिस तरह से ईडी वहां लाचार दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे सवालों के जवाब देते नहीं बना, और उन्हें कहना पड़ा कि हम बेल का अपोज नहीं करेंगे. अभी यशोवर्धन से गाजा जो बता रहे थे, बहुत मार्किंग बात उन्होंने कही है कि भाई ईडी का ये कर्तव्य है, धर्म है कि वो जमानत का विरोध करे. अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध ईडी ने क्यों किया? कि भाई ये पावरफुल व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. वो चीज संजय से भी करती है, राज्यसभा सदस्य है, वो भी मनीष सिसोदिया के मामले में किया था. लेकिन आज ईडी का एकदम से धराशय हो जाना, सुप्रीम कोर्ट में लड़खड़ा के गिर जाना, ये बताता है कि पूरा केस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. और आम आदमी जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, जब आम आदमी आदमी को आम आदमी पार्टी को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है, इस दावे में दम नजर आने लगा है. और ये परसेप्शन बनेगा पॉलिटिक्स में कि भाई अगर संजय सिंह को 6 महीने बाद जेल में रखने के बाद भी ईडी सबूत पेश नहीं कर पाई है, और अब वो ये कह रहे साहब अब हमें इनको हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है? तो ये लगने लगा कि अब लोगों को मिला, खासकर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पैरोकार माने जाते थे, समर्थक माने जाते थे, उनको भी लगने लगा है कि ये अति हो रही है. तो मुझे लगता है कि इस पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने के लिए शायद ईडी को निर्देश दिए गए होंगे ऊपर की तरफ से कि भाई अब थोड़ा हल्का हाथ रखना है, क्योंकि अब हमारी बेदराबी थोड़ा ज्यादा हो रही है, उसे बैलेंस करने के लिए. कभी हमने एक अंदर डाल दिया, एक अब एक को बाहर छोड़ दो, तो वो बैलेंस हो जाएगा. कहते हैं ईडी जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन इसके अंदर हो सकता है. जी मैं मिस्टर आजाद, आप वापस आ गए. मैं आपसे सर यही सवाल कर रही थी कि अगर मान लीजिए कि कोई एंकर या रिपोर्टर आज संजय सिंह से कोई सवाल पूछेगा तो वो उस पर जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगाया है कि आप केस से जुड़े तथ्यों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन उनका उनको अगर इस बात की अनुमति दी गई है कि वो चुनावी कैंपेन में जा सकते हैं, अपनी चुनावी गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं, तो क्या एक तरीके से कोर्ट ने संजय सिंह को बांध दिया है और वो बात नहीं करेंगे केस से जुड़े हुए किसी भी मामले पर? और अगर करते जी, मेरे ख्याल से संजय सिंह को लिकर पॉलिसी पे नहीं बोलना उचित होगा, क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट की भाषा है, जिससे हमें लगा कि वो अपने चुनावी के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस विषय पर चूंकि उसमें उनका खुद ये आ रहा है, तो जैसे जजेस अपने मामले में रिक्यूज करते हैं खुद को, तो उन्हें रिक्यूज करके इस पे नहीं बोलना उचित होगा, और मेरे ख्याल से इंटरव्यू में भी उन्हें नहीं बोले तो बेहतर, क्योंकि बहुत तरह के यू नो एलिगेशंस आएंगे, कंटेम्प्ट नोटिसेस आएंगे, और कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है वो मैं समझता हूँ संजय सिंह जी के लिए एक एक
चुपचाप रहकर ही सबसे बड़ा कैंपेन है, तो इससे उनको फायदा ही है और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन सर एक एक मामला और है जिसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि हमेशा जांच एजेंसियों के ऊपर ये आरोप लगता है और अभी से नहीं बहुत सालों से कहा जा रहा है कि देखिए जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया को जब भी इस तरीके की जांच होती है तो उनको खबरें लीक कराई जाती है, ईडी लीक करता है, सीबीआई लीक करता है, आईटी इस तरीके के खबरों को प्लांट कराता है गोदी मीडिया द्वारा, भले उस केस में तथ्य हो या ना हो लेकिन खबरें लीक करा दो और उसको बिल्कुल आरोपी के रूप में घोषित कर दो भले ही आपके ऊपर सबूत कोई सबूत ना हो। क्या इस चीज पर, क्या मीडिया के ऊपर कोई प्रतिबंध लग सकता है? क्या आज कोर्ट को इस ये सब पे भी नहीं बोलना चाहिए था? भाई ठीक है आपने जमानत दे दिया, यू हैड लिमिटेड योरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, लेकिन आज मीडिया को भी तो एक कहीं ना कहीं कुछ एक मैसेज देने की जरूरत थी और ये एक नहीं कितने मामलों में ऐसा हुआ है। ऐसा है कि मीडिया तो हर मामले में भगवान बन चुका है, उनके ऊपर कौन कंट्रोल लगा सकता है। आप देखिए आपने कितने कंट्रोल्स लगाए, एक तो एडिटर्स गिल्ड है आपका, एक वो ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से है, एक आपके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं किया। मैं मनीष तिवारी जी जो एक पुराने ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रह चुके हैं एक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे और उन्होंने इस मेरी बात से अग्री किया कि किसी तरह का कंट्रोल संभव नहीं हुआ और अगर सरकार करे तो वो भी गलत है। इसलिए मैं समझता हूँ मीडिया ट्रायल तो देश विदेश हर जगह इसी तरह चलता रहेगा, इसके बारे में कुछ करना कठिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेल ऑर्डर संजय सिंह के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी सबसे बड़ा चुनाव कैंपेन का एक स्लोगन है और इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी लोग कह ही रहे हैं और जो गोदी मीडिया नहीं है वो इस बात में, जैसे अंसारी साहब हैं आप लोग ऐसे लोग हैं, वो इस बात को उठाते ही रहेंगे और दैट इज गुड नाउ। सर्वेश मैं अब आपके पास आती हूँ। संजय सिंह की जमानत एक ऐसे समय में आई है जब पार्टी ऑलरेडी जूझ रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से और तमाम तरीके के प्रोटेस्ट और सब कुछ चीजें इस समय पार्टी में चल रही है, सारी चीजें तितर बितर हैं क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा जो तबका है कार्यकर्ताओं का वो सड़क पर है और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अभी पता नहीं है कि वो कब जेल से रिहा होंगे। अब जब संजय सिंह बाहर निकलेंगे, कल पहुंचेंगे सुबह, तो उसके बाद पार्टी की गतिविधियों में आप लोगों ने क्या प्लान किया है, किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ेंगी क्योंकि अब कैंपेन शुरू हो जाएगा, पहले फेज का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, 19 अप्रैल से पहला फेज है, किस तरीके से पार्टी प्लान करेगी, क्या उसको लेकर कोई बातचीत अभी शुरू हुई है, कोई जानकारी आप दे सकते हैं? आप अनम्यूट कर ले सर्वेश, आप म्यूटेड है। हाँ देखिए निश्चित तौर पे उनका आना सबके बीच होना है, बहुत ही मजबूती की बात है, लेकिन आपको इन बातों को भी देखना होगा कि अभी हमारी न्यायिक लड़ाई भी चल रही है जो हमें और तीनों नेता को लेकर आना है, जो और सेम जिस तरीके के सवाल आज कोर्ट ने किए जो सांसद संजय सिंह जी पे लागू होते हैं वही सवाल मनीष जी और वही सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे भी लागू होते हैं। एक पूरे इस तरीके के मामले को देखा जाए, जैसा कि उन्होंने कोर्ट ने सवाल किया कि कोई आपने प्रॉपर्टी सीज की या कहीं से आपने कोई अटैचमेंट या सीजर दिखाया या सेक्शन 45 पे जो बात हुई, तो निश्चित तौर पे एक न्यायिक लड़ाई भी चल रही है, एक जमीन की लड़ाई भी चल रही है। सांसद संजय सिंह जी एक संगठन के नेता हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे पार्टी में भी बहुत लोग जुड़े रहते हैं, आम जनमानस भी काफ़ी जुड़ा रहता है, तो निश्चित तौर पे उनके आने से, उनकी अगुवाई से हम सब में बहुत मजबूती मिलेगी और उनके आने से जो पूरा परिदृश्य है उसमें भी एक काफी सकारात्मक बदलाव दिखेगा जी। लेकिन अभी क्या पार्टी को लेकर कोई मीटिंग्स अभी प्लान्ड है आज शाम के लिए या किसी तरीके की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, कुछ क्या गतिविधि है अभी पार्टी में शाम के लिए? कुछ ना कुछ तो लाइंड अप होगा, वैसे तो मीटिंग्स चलती रहती हैं पार्टी ऑफिसेज में, लेकिन अब क्योंकि जमानत के ऑर्डर्स आ चुके हैं तो किस तरीके की गतिविधि है आप लोग, क्या कोई कैबिनेट डिसीजन होगा या कुछ क्या होगा, मतलब मैं जानना चाह रही थी कि पार्टी के अंदर किस तरीके की गतिविधि होगी।
देखिए अभी तो इस पे पार्टी ने प्लान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से सांसद संजय सिंह जी पे मामला, एकदम वैसा ही सेम मामला मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी पे भी है। तो हमारी हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग बैठे थे, उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा और जनता को बताया भी कि 6 महीने बाद आज संजय सिंह जी की बेगुनाही में बेल होती है, और जिसमें कि सब लोग जानते भी हैं कि सेक्शन 45 में जब आते हैं तो उसमें कोर्ट को संतुष्ट होना पड़ता है। और आज उन्होंने कहा भी कि अगर आप इसके मेरिट्स का जिक्र करिए नहीं तो हम इनको बेल दे देंगे। आप जिस तरीके की बातें हुई तो ये निश्चित तौर पे सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला था। और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता सौरभ भारद्वाज जी, अतिशी जैस्मिन शाह, सभी लोग आकर जनता के सामने पक्ष भी रखे, और कल उनके जैसे ही वो बाहर आते हैं एक नए निर्णय नए तरीकों के साथ बढ़ेंगे। आप देख रही हैं कि किस तरीके से रोजाना नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज ही अतिशी जी ने कुछ खुलासे किए और बताया कि कैसे पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कैसे दूसरे और नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव जो है वो वोट से नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव ईडी और इनकम टैक्स से लड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में सांसद संजय सिंह जी आएंगे और कल उनके आते ही पार्टी इसमें निर्णय लेगी और आगे की एक दशा तय करेंगे वो खुद भी आज। और एक चीज और सर्वेश, की पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन ऑलरेडी चल रहा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, तो क्या जो विरोध प्रदर्शन है वो उसी तरह से चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था? देखिए हमारे तीन तीन बड़े नेता जेल में हैं तो निश्चित तौर पे वो ऐसे ही चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग जानते भी हैं जिस तरीके से सांसद संजय सिंह जी का जो नेतृत्व होता है, जिस तरीके से सड़क से संसद तक लेके वो विरोध प्रदर्शनों एजिटेशन में शामिल रहते हैं, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही जोश होगा, हमारे नेताओं में बहुत जोश होगा। और एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, हम सब लोगों को दिशा देते हैं। पार्टी की जो नई जनरेशन है, हम लोगों की जो जनरेशन है या पार्टी के जो सीनियर लीडर्स भी हैं, उनको एक अच्छी दिशा भी देते हैं कि कैसे आंदोलनों में शामिल होइए, कैसे सरकार के साथ लड़ना है, कैसे सरकार का टीवी पे मुकाबला करना है, कैसे जमीन पे करना है, कैसे न्यायालय में जाना है। तो निश्चित तौर पर उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, और जो कि अनुभव इन तीनों नेताओं को जेल से बाहर लाने में काम भी आएगा। जी ठीक है। अब यूसुफ आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो जमानती ऑर्डर्स जो संजय सिंह के लिए दिए गए हैं, आज क्या कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बहुत ही करारा जवाब दिया है? कोर्ट ने आज ये बता दिया कि मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, मोदी की जांच एजेंसीज की मनमानी नहीं चलेगी। क्या आज चंद्रचूड़ साहब ने ये बता दिया? कल डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में भी जब उन्होंने बोला था तो कल उन्होंने सीबीआई के काम करने के तरीके पर बात की, और आज इस तरीके के आज जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने आज इस तरीके का फैसला सुनाया है। तो अब क्या कोर्ट के आगे जो पहले हम जैसे देख रहे थे कि कोर्ट कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा था, आज कोर्ट अपनी ताकत को महसूस करा रहा है कि भाई हम हैं आपके रास्ते में ब्रेक लगाने के लिए जहां पर आपकी मनमानी चलेगी। आज क्या वो संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है? बिल्कुल, ये संदेश गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि जब जब इस देश में लोकतंत्र पर या जो संवैधानिक संस्था है उन पर जब भरोसा उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस भरोसे को कायम करने की पूरी कोशिश करेगा। आज संजय सिंह के मामले में जो जमानत का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को झटका है, ईडी को झटका है। और जिस लहजे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल पूछे ईडी से, इनके सामने ईडी निरंतर हो गई, और अभी संजय हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के काफी सीनियर वकील है उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अब कोर्ट सवाल पूछने लगा है, और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि ये सवाल पूछने का ये सिलसिला हाईकोर्ट से लेकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लगातार इस तरह के फीलर्स आ रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में निचली अदालतों में जमानत बेल को रूल होना चाहिए और एक्सेप्शनल जेल होनी चाहिए, तो प्रोवर्ब है, कहावत है, लेकिन बात देखा जा रहा है अदालतें जमानत देने में कोताही कर रही है, उनको भी संदेश है। तो संजय हेगड़े जी कह रहे थे कि सर अदालत जजों का जमीर जाग रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और जब जब अदालतें अपने न्याय के पायदान पे मजबूती से खड़ी हुई हैं, तब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींदें उड़ी हैं और सत्ता में बदलाव भी हुए हैं। ये खैर ये क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन जो भरोसा उठ रहा है लोकतंत्र से, न्याय व्यवस्था से, सरकारों से, उस भरोसे को कायम रखने की दिशा में इस कदम को एक मजबूत कदम माना जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बता दी है कि सर एक लिमिट तक ही दबाव काम कर सकता है और निरंकुश सत्ता को नहीं होने दिया जा सकता। चंद्रचूड़ साहब के जमाने में कई फैसले ऐसे आए हैं जो सरकार को
चुभे हैं जिससे सरकार की फजीहत हुई है, और ये लगा है कि स्लो कोर्ट जो है सरकार के दबाव में नहीं है बल्कि कोर्ट निष्पक्ष रूप से और निडर होकर फैसले कर रहा है, और शायद यही वजह है कि न्याय व्यवस्था में खलबली मची हुई है। जो 600 जजों ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद जो पीएम ने उसको ट्वीट भी किया, उसका पैरवी भी की, ये चीज दिखलाती है कि कोर्ट के फैसलों से सरकार बेचैन हो रही है। बिल्कुल, दबाव बनाने की तो जरूर कोशिश की गई थी उन 650 वकीलों ने जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी सीजेआई को। अब आजाद साहब, अब अंत में आपके पास आऊंगी कि आज का जो जमानती ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट, आज सबसे बड़ा टेक अवे आज ईडी के लिए क्या है? आपको लगता है कि ईडी अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएगा, फिर वो या तो फिर वो ऐसे ही काम करता रहेगा? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अगर ईडी एक व्यावसायिक संस्था है जिसे हम कहते हैं टोटली प्रोफेशनल, तो काफी चीजें अलग ढंग से की जानी चाहिए। अगर वहां पे एक आईपीएस अधिकारी या जो भी आईआरएस अधिकारी जो अपनी विवेक, अपनी क्षमता और बहादुरी से काम करता है, तो जरूर वो इस चीज को देखेगा कि अगर हम एक प्रकरण इधर का लेते हैं, नया प्रकरण लेते हैं, तो कम से कम हमें वो जो गड़े मुर्दे हैं और हम जो प्रकरण रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के पड़े हुए हैं कोल्ड स्टोरेज में, उन्हें तो पहले निकालना चाहिए, जो कि जिनको 5 साल से पहले हो गए। आपको मालूम है कि 5906 केस 1 जनवरी 2023 में रिकॉर्ड किए गए थे इनके द्वारा अब तक, तो उसमें से प्राथमिकता देना आवश्यक है। आज के बेल के ऑर्डर के बाद कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे जरूर सचेत होगी कि सेक्शन 45 जो है पीएमएलए का बहुत ही क्रूशियल है, कि प्राइम ऑफ फेसी एविडेंस के आधार पे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ईडी एक ऐसी संस्था है जिन्हें अपने केस को ऐसा पक्का और जो कि बिल्कुल ही सुदृढ़ करने वाला केस हो, वैसे ही केसेस लेने चाहिए, बेकार के केसेस में अपना ध्यान नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर ईडी किसी के इशारे पे चलती है तो मैं समझता हूँ थोड़ी देर लगेगी ये समझ में आना। चलिए, अब देखना होगा कि आगे ये केस अब कैसे मैनिफेस्ट करता है, शराब घोटाले के कितने तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि अभी ईडी को सारे सबूत पेश करने हैं, मेरिट्स ऑफ द केस पर जाना होगा, और उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सारे सबूत पेश करें और ये बताएं कि उसमें वाकई में इसमें कोई क्राइम था या नहीं था। फिलहाल आज एक बड़ी खबर है कि संजय सिंह को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के ट्रायल कोर्ट्स, क्या हमारे देश के हाई कोर्ट्स भी, जिन्होंने संजय सिंह की बेल को खारिज किया था, आज उनका भी जमीर जागेगा, और आज क्या वो भी अब सवाल पूछने शुरू करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, यशोवर्धन आजाद साहब, सर्वेश मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप जाइए सेलिब्रेट करिए और बात करिए संजय सिंह जी से। Thank you so much, Yusuf Ansari. Thank you so much for joining. Thank you.